वक्त नहीं है, आप ताज महोत्सव के दौरान आप नए रोमांचकारी अनुभवों को साझा कर पाएंगे। आगरा प्रशासन ने हॉट एयर बैलून की नई शुरुआत की है, जिसकी पहली उड़ान से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आसमान से धरती का नजारा कैसा होगा, अक्सर हम ये सोचते हैं। आप भी जरूर पक्षियों की तरह नील गगन में उड़कर जमीन की ओर झांकना चाहते होंगे। अद्भुत, अकल्पनीय, रोमांचकारी अनुभव से गुजरना कौन नहीं चाहेगा। लेकिन अब यह आगरा वासियों के लिए सिर्फ कल्पना की बात नहीं होगी। ताज महोत्सव में अब एक नया अध्याय जुड़ गया है, यानी ताज महोत्सव में पर्यटक हॉट एयर बैलून की रोमांचकारी उड़ान से रूबरू हो सकेंगे। जी हाँ, ताज महोत्सव पर हॉट एयर बैलून की शुरुआत की जा रही है, जो आगरा कमिश्नर ऋतु महेश्वरी और डीएम भानुचंद गोस्वामी के प्रयासों से शुरू हुआ है। हॉट एयर बैलून में आज हम उड़ान भरेंगे और आपको दिखाएंगे कि आसमान से ताजमहल सहित अन्य स्मारक कैसे दिखाई देते हैं और ताज नगरी का नजारा कैसा होता है। इसी हॉट एयर बैलून में आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का आज हमारा सफर होने वाला है। आसमान से हम तमाम ऐतिहासिक स्मारकों का दीदार करेंगे और जाहिर सी बात है कि पर्यटकों के लिए अब एक आगरा में ये कह सकते हैं कि नया आयाम स्थापित होने जा रहा है, जो हॉट एयर बैलून के रूप में पर्यटकों के सामने होगा। अब हम आपको हॉट एयर बैलून से आगरा की सैर कराएंगे, तो चलिए हमारे साथ आसमान की ओर। तो अब हमारा रोमांचकारी सफर शुरू हो चुका है। हम इस समय हॉट एयर बैलून में मौजूद हैं और हम जमीन से आसमान की तरफ जा रहे हैं। लगभग 2000 फीट का ये पूरा रास्ता हम तय करेंगे आसमान की तरफ, और आसमान से आपको दिखाएंगे कि पर्यटन नगरी आगरा आसमान से कैसी नजर आती है, हमारा ताजमहल कैसा नजर आता है, हमारे अंडर मॉन्यूमेंट कैसे नजर आते हैं। आसमान की ऊंचाइयों से नीचे जमीन की ओर देखना हमेशा कौतूहल का विषय रहा है। अब सवाल है कि हॉट एयर बैलून कितना सुरक्षित है, आखिर ये कैसे उड़ता है। सवाल ये भी कि आखिर इस हॉट एयर बैलून को कौन उड़ा रहा है, यानी इसका पायलट कौन है। तो सुकून और शांति के सफर पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं आसमान की तरफ, और धीरे धीरे हम 2000 फीट पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आपको नजारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है पर्यटन नगरी आगरा, जिसे ताज नगरी भी कहा जाता है। देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु जो पर्यटक है वो यहाँ ताज के दीदार के लिए पहुंचते हैं, अन्य स्मारकों के दीदार के लिए पहुंचते हैं। लेकिन किस तरीके का दृश्य, तस्वीर जो है वो हॉट एयर बैलून से नजर आती है। जब आप ऊपर आसमान से सफर कर रहे होते हैं तो कैसा नजर आता है आगरा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम हमारे चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस राइड को पूरा कमांड कर रहे हैं, चौहान साहब। और चौहान साहब से बात करेंगे। चौहान साहब, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आगरा के पर्यटन में एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, ये एक बहुत ही यूनिक तरीके का आकर्षण है जो आगरा प्रशासन ने लाया है। हम उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। तो हम आपसे एक ही अनुरोध करते हैं कि आप आइए, हॉट एयर बलून को एक्सपीरियंस कीजिए और इसे महसूस कीजिए, क्योंकि हम और आप किसी वर्ड्स में इसे डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कितना खूबसूरत है। हमारे साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये सूरज चढ़ता हुआ जा रहा है, सनराइज हो रहा है ब्यूटीफुल ताजमहल के ऊपर, ताज नगरी में। तो देखिए कितना खूबसूरत है ये। बिल्कुल चौहान साहब, ये जो उड़ान है, जो रोमांच का सफर हम इस समय तय कर रहे हैं ताज महोत्सव के दौरान, क्या ये 28 के बाद भी, फरवरी के बाद भी, ताज महोत्सव के बाद भी लगातार ऐसी पर्यटकों को मिलती रहेगी? यस, ये परमानेंटली यहाँ पर चालू रहेगा। कुछ सेफ्टी पॉइंट से बात कर लेते हैं, कितनी ऊंचाई तक हम जा सकते हैं, और सुनने में आता है कि एलपीजी नाइट्रोजन का इसमें इस्तेमाल होता है, तो किन-किन कैसे ये उड़ान भरता है कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एविएशन का सबसे सेफेस्ट ऑपरेशंस है। आप जो एयरक्राफ्ट में उड़ते हैं उससे ये कहीं ज्यादा सेफ है। ये बेसिकली एक हॉट एयर बलून है जो आप देख सकते हैं 100% सेफ है। ये बलून्स डिजाइंड है स्पेन में, अल्ट्रा मैजिक, जो सारे विश्व की सबसे बड़ी बलून मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। हमारे जो पायलट्स हैं उनके पास कई हजारों घंटों का एक्सपीरियंस है इस हॉट एयर बलून को चलाने का। हमारे आज के जो पायलट है वो कैप्टन इमो सिंह साहब, ये हिंदुस्तान के सबसे पहले पायलट है, तो हमारे लिए बड़ा गर्व, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तान के पायलट हमारे हिंदुस्तानियों को फ्लाई कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़ी आकर्षण के ऊपर।
बिल्कुल, एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की तस्वीरें आसमान से नीचे जमीन की दिखाई देती है, नीचे आगरा की दिखाई दे रही है। उसके बाद हम हमारे साथ कुछ उद्योगपति भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले आपको नजारा दिखाते हैं। देखिए, हम धीरे धीरे ताजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हमारा जो सफर है वो अब कुबेरपुर से शुरू हुआ था और यहाँ से हम सीधे आगे चले गए। और धीरे धीरे जिस तरीके से हमारी जो इस उड़ान की जो हवा जिधर से तरफ जाती है, रुख होता है इसका, उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आपको ताजमहल और अन्य स्मारक भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ थोड़ा सा आप नजारा देखेंगे तो हम आपको यमुना नजर आ रही होगी, जहां जहां से आपको ये धुंध की जो चादर आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी यमुना है। और यमुना के ठीक पीछे खूबसूरत हमारा ताजमहल नजर आता है। लेकिन उससे पहले हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ संजय जी भी मौजूद है, पूरन डाबर जी भी, प्रशासन ने जो कवायद। मैं आगरा प्रशासन का बहुत बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमें बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज आगरा में हॉट एयर बैलून स्टार्ट हुआ है, पहले दिन के ही हम साक्षी बन रहे हैं। पूरन जी, किन शब्दों में बयान करेंगे इस्तान को? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से एक नया आयाम आगरा में जुड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब हम जितना ऊपर जाते जा रहे हैं, उतनी हमें शांति और सुकून महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस यही आसमान से ही अपने शहर का दीदार करते रहे। और वही तस्वीरें भी मैं आपको लगातार दिखाता भी जा रहा हूँ बीच बीच में, कि देखिए हम इनर रिंग रोड से आगे बढ़ रहे हैं और ताजमहल की तरफ हम जा रहे हैं। धीरे धीरे हम ताजमहल की तरफ जाएंगे। हालांकि थोड़ी सी आपको दूर धुंध जरूर नजर आ रही होगी और इस धुंध में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है ताजमहल का चित्रण लेने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपको दीदार करा सके। चलिए आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आगे भी आपको तस्वीरें इसी तरीके से लगातार देखने को इस हॉट एयर बैलून से मिलती रहेगी। ऊंचाइयों पर रोमांच का बहुत ही अलग अनुभव है। आसमान से जमीन की खूबसूरती निहारने के आनंद को बयां कर पाना मुश्किल है। तो रोमांच के सफर पर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ आसमान से आपको नीचे का नजारा दिखाई दे रहा है। लेकिन चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है और सामने आप देखेंगे तो धुंध की एक अलग चादर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, क्योंकि सामने यमुना नदी है और यमुना नदी के ठीक पीछे की अगर बात की जाए तो सामने आपको ताजमहल भी नजर आ रहा होगा। लेकिन अभी थोड़ी धुंध है, थोड़ी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे ताजमहल की तरफ बढ़ेंगे आपको और ताजमहल की खूबसूरत तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जब आदमी हॉट एयर बैलून का नाम सुनता है तो उसे थोड़ा सा डर लगता है कि आप ऊपर जाएंगे ना जाने कैसे उतरेंगे क्या होगा। तो क्या कुछ सेफ्टी पॉइंट्स आप कहना चाहते हैं कि इसको हम कैसे आनंद लुत्फ उठा सकते हैं? देखिए, हॉट एयर बलून जो है ना, ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट एविएशन अपैरेटस है, इंस्ट्रूमेंट है। इससे ज्यादा सेफ हवा में उड़ने का कोई और साधन नहीं है। एक ऐसा मौका है आपके पास जब आप अनरेस्ट्रिक्टेड आसमान में बादलों के बीच उड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी लवली वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर, आप पंछियों को देख सकते हैं, बर्ड्स को देख सकते हैं यहाँ पर। जी इमो सिंह, थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे, आप फर्स्ट पायलट हैं हॉट एयर बैलून के पूरे देश में। सर, किस तरीके से आप एक अंदाजा लगाते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ हमारा रुख है? नहीं, यहाँ में कुछ रिस्ट्रिक्शन है एयर फोर्स का, तो एयर फोर्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो आराम से यहाँ से ताजमहल के ऊपर दिल्ली फ्लाई कर सकते हैं। इसको उड़ान में मैं पूछ रहा हूँ, नॉर्मल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली दिल्ली का विंड के हिसाब से जाते हैं। और फिर हॉट एयर बैलून में उड़ते हुए आप जैसे जैसे ताजमहल के करीब पहुंचेंगे तो रोमांच और भी बढ़ता जाता है। आसमान से ताजमहल का दीदार का अनुभव मंत्रमुग्ध कर देता है। तो अब वो समय आ चुका है जब हम इस रोमांच के सफर पर अपने आखिरी पायदान पर हैं, यानी ताजमहल के नजदीक। ये तस्वीर आप देख लीजिए, हम बिल्कुल यमुना पार करके अब हम ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गए हैं और ताजमहल आपको सामने नजर आ रहा होगा। धीरे धीरे अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि क्लोजअप करके दिखाएं। जैसी भी तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो रही है वैसी तस्वीर हम लेने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ताजमहल किस तरह से इस आसमान से नजर आ रहा है। धीरे धीरे हॉट एयर बैलून का सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब आपको बताते हैं कि इसकी लैंडिंग कैसे होती है। और कुछ ही देर में हम यहाँ पर लैंडिंग करेंगे और लैंडिंग के लिए काफी सेफ्टी यहाँ पर रखी जाती है। जैसा कि हमें पायलट ने पहले से इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि जब हम यहाँ लैंडिंग करेंगे तो हमको थोड़ा सा झुकना होगा और यहाँ पर एक जो रस्सा है इसको पकड़ना होगा। इस रस्से को पकड़कर जब हम बैठेंगे तो उसके बाद आप इस तरीके से बैठेंगे
जब लैंडिंग होगी तो उस समय आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है और उसके बाद आप आसानी से यहाँ जमीन पर आप लैंड कर सकते हैं। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जो पहले से ही बता दी जाती है सेफ्टी पॉइंट से। तो अब हमारी हॉट एयर बैलून की राइड समाप्त हो चुकी है और काफी सॉफ्ट लैंडिंग हमने इस समय की है। नगला तल्फी यानी कि ताजमहल के नजदीक हम इस समय उतरे हैं और नजारा आप देख लीजिए कि जैसे ही हॉट एयर बैलून यहाँ गांव में खाली मैदान में उतरता है तो उसके बाद किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ इसे देखने के लिए उमड़ने लगते हैं। जाहिर सी बात है एक रोमांच भरा सफर है। पर्यटन की दृष्टि से एक नया आयाम यहाँ आगरा में स्थापित होने जा रहा है, एक नया कदम जुड़ने जा रहा है जिसको हर कोई चाहता है कि आगरा में इस तरीके की सफर जो है वो लगातार जारी रहे। पर्यटक जब आगरा पहुंचे तो इस तरीके का रोमांच भरा सफर वो कर सके और यही वजह है कि लोग उत्साहित है और इस हॉट एयर बैलून को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। पहले दिन बैलून करीब 2000 फीट तक ऊपर आसमान में गया। बैलून की पहली उड़ान कुबेरपुर के नवलपुर इलाके से शुरू होकर ताजगंज नगला तल्फी पर खत्म हुई। जैसे ही बैलून जमीन पर उतरा उसे देखने के लिए आसपास के गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। अच्छा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अति सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, समझ रहा हूँ। सातों का ये गाँव ले भी आते हैं, नंगला तल्फी पोस्ट धानपुरा ताजगंज आगरा, सातों का ये गाँव है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हम लोगों को। बहुत अच्छा, देखो हमारे गांव के लोग सभी लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। गुड, एकदम गुड। जय हिंद साथा, जय हिंद साथा। तो आसमान के इस रोमांचकारी सफर के बाद अब हम नगला तल्फी में सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं और इस समय आप देख सकते हैं कि हॉट एयर बैलून पूरी तरीके से सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया है यहाँ पर। और जब ये हॉट एयर बैलून जमीन पर उतरा तो उसके बाद आप आलम देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीणों में उत्साह था। ये नगला तल्फी और आसपास के गाँव के लोग सिर्फ इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह इन लोगों में है। और जाहिर सी बात है कि जब ये हॉट एयर बैलून लगातार आगरा में पर्यटक के लिए शुरू होगा, शहर वासियों के लिए शुरू होगा तो एक बड़ा अनुभव जो है वो कह सकते हैं कि आसमान के सफर का लोगों को मिलेगा। और खास बात यह है कि आगरा के पर्यटन में भी अब इस हॉट एयर बैलून के चालू